गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक सिक्स क्लास में चैप्टर रीडिंग का चल रहा था, चैप्टर लर्निंग का चल रहा था, और इस चैप्टर को हम एक पैराग्राफ के रूप में फिर आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के पैराग्राफ हमने पढ़े इस चैप्टर के, और इसी तरह आपको आगे ही इसको लर्न करना है। और दो पैराग्राफ दिए हुए सामने, इन दोनों पैराग्राफ को रीडिंग करनी है। इसके नीचे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे, फिर उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। इसके नीचे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद में इस साइड में देखो आपके वर्ब्स जो मैंने लिखे हैं, इन वर्ब्स पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पास्ट टाइम में हमारे क्लास में पढ़ाया गया था, उसको आप लर्न करना, रिवाइज करना, रिपीट करते रहना। वर्ड मीनिंग लर्न करना है, वर्ब्स को लर्न करना है, और इसकी रीडिंग बार बार करके देखना। तो ये डेली रूटीन का वर्क है। फिर भी मैं आपको एक बार वापस मेमोरी में डाल देता हूँ, इसी तरह इसको आगे पढ़ना है, इसी तरह इसको आगे बढ़ाना है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, इसके फोर्थ पैराग्राफ एंड फिफ्थ पैराग्राफ आपके सामने है। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो छोटा व्यक्ति, उसको काम दिया गया था कि मेरा होमवर्क करना है, जैसे पैट्रिक ने उसको बोला था। अब वो कैसे करता है होमवर्क को, और क्या समस्या उसके सामने आती है, प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट होती है, थोड़ा उसको आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड रिंकल्ड लाइक ए डिसक्लॉथ thrown in the hamper, hamper, full stop. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. And true. To his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. Full stop. The elf didn't always know. The elf didn't always know what to do. And he needed help. Help me. He would say, and Patrick would have to help, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word. The elf
squeaked while reading Patrick's homework. While reading Patrick's homework. Get me a dictionary. Now, what even better? Look up the word and sound it out by each letter. इसकी हमने रीडिंग की है। अब एक एक सेंटेंस को फुल स्टॉप तक रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन को देखेंगे। सबसे पहले आपको भी ऐसा ही करना है। सबसे पहले पैराग्राफ की रीडिंग करना सीखो। रीडिंग करते रहोगे, टच में रहोगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आपको आना चाहिए, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन से देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक दिस क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। छोटे आदमी का चेहरा कचरा पात्र में पड़े बर्तन पोंछने वाले कपड़ा जो होता है मुरझा गया। उसका चेहरा जो होता है एक पोंछा मारने वाला जो कपड़ा होता है, पोंछा करने का कपड़ा होता है, या बर्तन धोने का जो कपड़ा होता है और उसको डस्टबिन में जैसे फेंक देते हैं, उसकी तरह उसका चेहरा हो गया। लाइन को पढ़ देखो, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर डस्टबिन, एक तरह से डिब्बा, ठीक है, थ्रोन फेंका गया, डिस्क्लॉथ पोंछा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को ठोकर मारी। किक मारना, लेग्स पांव को ठोकर मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट मींस जो मुट्ठी जो बनती है हाथ को दबाकर, उसको मजबूती से दुगना कर लिया और मुट्ठी को दुगना मजबूत किया, उसने मजबूत दुगना किया। एंड ही ग्रैम्स्ड का मतलब था नाराज हो गया वो। एंड और क्या हुआ, एंड काउल्ड, और वह नाराज के साथ क्या हो गया, क्रोधित हो गया। एंड पर्स हिज लिप्स, और अपने होठों पर असहमति दर्शाई। अरे देखिए आगे, ओह अरे, एम आई कर्स्ड, अरे मैं शापित हो गया हूँ, यानी ये तो मुझे श्राप की तरह हो गया है, शापित हो गया हूँ मैं, श्राप की तरह लग रहा है मुझे। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा। आई विल, मैं करूंगा, डू मैंने करना, डू ना, लेकिन मैं इसे करूंगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस, एंड ट्रू टू हिज वर्ड इट मीन्स, और वादे को निभाने हेतु, वादे जो ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब है अपनी बात को सच्चाई में लाना, यानी वादा निभाना। That little elf began to do Patrick's homework. क्या किया उसने, आगे देखो, उस छोटे प्राणी ने पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू किया, होमवर्क करना उसने शुरू कर दिया। There was one glitch. अब क्या था, आगे देखो, होमवर्क करना शुरू किया, इसके बावजूद एक गलती हो गई। एक्सेप्ट यानी गलती को छोड़ दिया उसने, एक गलती छूट गई उससे, गलती हो गई। कैसे हुई, आगे देखिए, glitch, mistake. The elf didn't always know. वह प्राणी नहीं जानता था, वही नहीं जाना या नहीं जानता था कि क्या करे, what to do, क्या करे, यानी किस तरह किया जावे, वो नहीं जान पाया, ठीक है। आगे देखिए, and he needed help, और उसे सहायता की जरूरत पड़ गई, अब उसके हेल्प की जरूरत पड़ गई। नीडेड मींस होता है जरूरत हुई, हेल्प सहायता की जरूरत हुई। हेल्प मी, मेरी मदद करो, सहायता करो। He would say, वह कहता, अब वो कहना शुरू कर दिया कि मेरी हेल्प करो, मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ।
और क्या हुआ देखो आगे, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। अब पैट्रिक जो है उसकी मदद कैसे करे, किस तरह से मदद करे, किस प्रकार से, इन वॉट एवर वे, किस प्रकार से, किस जिस तरीके से मदद करे, यानी वो तरीका कौन सा है, वो समस्या उनके सामने आ गई, प्रॉब्लम उनके सामने आने लगी, जब उनको कैसे फेस किया जावे। आई डोंट नो, आई डोंट नो, अब वो कहता है देखो क्या बोला, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता दिस वर्ड, इस शब्द को मैं नहीं जानता, इस शब्द का आंसर क्या होगा मैं नहीं जानता। द एल्क स्क्विटेड, छोटा प्राणी, इसने क्या किया, वह प्राणी का गृह कार्य पढ़ते हुए चिल्लाया, आगे देखो ना, द एल्क स्क्विटेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी वह चिल्लाया पढ़ते समय पैट्रिक का गृह कार्य, उसका गृह कार्य जब वो पढ़ रहा था या कर रहा था तो उस समय वो चिल्ला के बोला कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता, अब मुझे हेल्प की जरूरत है। गेट मी ए डिक्शनरी, गेट मी ए डिक्शनरी, यानी मुझे डिक्शनरी या शब्दकोश दो, मुझे लाके दो, शब्दकोश की जरूरत है मुझे, डिक्शनरी की जरूरत है मुझे, दो ना, और बोलता है नहीं, वॉट इवन बेटर, और इससे भी जो अच्छा हो, जो डिक्शनरी से भी बेटर हो या अच्छा हो, वो मुझे हेल्प चाहिए, मुझे दो। लुक अप द वर्ड, उस शब्द को खोजो, उस शब्द का, उस वर्ड का पता लगाओ, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, यानी और प्रत्येक अक्षर जो बनता है, जो लेटर बनता है, उस वर्ड का प्रत्येक जो अक्षर है उसकी मुझे आवाज बताओ, उसको क्या बोलेंगे, कैसे बनेगा, क्या आंसर होगा, इसका मुझे आप आंसर दो। ये उसने जो है प्रॉब्लम उसके सामने आ गई, उसको कैसे सॉल्यूशन करें, ये अब उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इस पैराग्राफ को हमें पढ़ा है, इसका ट्रांसलेशन देखा है, और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब नीचे इसमें जो जो वर्ड मीनिंग जो आ रहे हैं सामने, उसको हम देखेंगे। रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है मुरझाना या सलवटें पड़ जाना, या जैसे झुलस जाता है तो उसका जो है फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, उस तरह से रिंकल्ड मुरझाया। और डिस्क्लोथ यानी पोचा, डिस्क्लोथ का मतलब होता है, डिस्क्लोथ मीन्स पोचा, हैम्पर, हैम्पर का मतलब है डिब्बा, डिब्बा, या जिसमें जो किसी डिब्बे का किसी तरह का यूज किया जा सकता है, चाहे वो डस्टबिन के रूप में हो, चाहे सामान डालने के रूप में हो, ना हैम्पर होता है। और ग्रिमेंस, ग्रिमेंस का मतलब है नाराज होना। स्काउल्ड, गुस्सा, स्काउल्ड मीन्स होता है गुस्सा हुआ, यानी उसको क्रोधित हुआ। कर्स्ड, शापित हुआ। और एल्फ, प्राणी। स्क्विड, स्क्विड का मतलब होता है चिल्लाया, शाउटेड, स्क्विड, बोथ आर सेम वर्ड, ठीक है। अब देखिए वर्ब्स इसमें कौन कौन सी काम आ रही है, वर्ब्स को देखेंगे तो वर्ब्स देखो, एक मैंने लिखा है बिगिन, बिगिन में से होता है शुरू करना, किसी काम को स्टार्ट करना बिगिन कहलाता है। सेकंड फॉर्म बिगेन इसकी होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BUN, है ना, स्पेलिंग में तीनों में डिफरेंस है। आगे देखिए नो, KNOW, KNEW सेकंड फॉर्म है इसकी, और KNOWN इसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है जानना, नो मीन्स होता है जानना, है ना। आगे देखिए थ्रो, थ्रो फेंकना, THRW थ्रू, और फिर होता है थ्रोन, यानी इसको होता है फेंकना। तो इस तरह से वर्ड्स तीन मैंने जो है वर्ब दिए हैं, और कुछ इसमें वर्ड मीनिंग दिए हैं, ग्लोसरी के रूप में लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है सामने, इसको फिर आपको लर्न करना है, ठीक है। और फिर एक बार इसको आपको लर्न करना है और रीडिंग करनी है, और नोटबुक में भी आपको इस तरह से नोट करना है, और रिवीजन करते रहना, फिर कोई प्रॉब्लम सही तो मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू।